हाउ आर यू? तो मैं वेलकम करती हूँ आपका कुछ नॉलेज सेंटर चैनल में। एंड आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारी अनुपमा मैम कहाँ पर रहती हैं। जहाँ पर वो रहती हैं उसका नाम है आरओएस आनंदा सोसाइटी। से एंटर करते ही यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आती है। आप देख सकते हो पीछे की कितनी सारी दुकानें हैं। यहाँ पे आधी दुकानें नहीं खुली हुई पर जो कि जल्द खुल जाएंगी, पर आधी दुकानें खुली हुई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हुई है। जैसे डीमार्ट देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारी ग्रोसरीज मिलती है, जो भी हमें सामान चाहिए वो मिल जाता है। देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हमारा पूरा जो मार्केट है वो है, जहाँ पे मैंने आपको डी मार्ट भी दिखाया था। और अगर हम यहाँ पे देखें, जहाँ पे आरओएफ आनंदा का बोर्ड था, वहाँ पर से स्टार्ट हो हुई हुई ये अब मैं एंट्रेंस है। आपको इस सोसाइटी के बारे में एक ब्रीफ दे देती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टावर ABCD है वो है यहाँ पे आगे की साइड, एंड टावर F है जहाँ पर हम रहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, और फिर यहाँ पे अब हम क्रैच है। अपने घर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टावर F से। तो जैसे हम आगे आगे चलते हैं तो हम देख सकते हैं कि टावर F अभी थोड़ी देर में ही आने वाला है, जो आप देख सकते हो वहाँ पर है। ठीक है, और इसका कुछ ऐसा है जगह कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बिल्डिंग है ये बेसिकली, और जहाँ पर हम रहते हैं। अब मैं ये भी बताती हूँ कि हम रहते कहाँ पर हैं। ठीक है, तो आ जाओ मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ पर रहते हैं। अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारा घर है, जो मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि वो के कैसा सामने दिखता है। ही ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी जगह है। यहाँ पर अगर बारिश होती है तो हम बैठ सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो छत है ना भाई, कितनी अच्छी है। एंड इतना सुंदर जगह है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी बहुत खेलते हैं। अगर हम यहाँ शाम को आएँ तो हमें यहाँ पर अभी अभी खेलते खेलते दिखे, पर अभी थोड़ा शांत माहौल है क्योंकि बच्चे देख स्कूल सकते गए हो हो। आरओएफ आनंदा ने हमें खेलने की भी स्पेस दिया है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो बैडमिंटन कोर्ट है जहाँ पे हम बैडमिंटन खेलते हैं, वहाँ पर बास्केटबॉल कि मैंने कोर्ट आपको है। बताया था कि यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक भैया है मेरे पीछे, एंड वो भी बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और उसके जस्ट पीछे हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राउंड है बहुत बड़ा सा। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं वो एडवर्टाइजमेंट करने आते हैं, स्कूल्स आते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो मिल्क बास्केट, ये भी यहाँ पर आया हुआ है एडवर्टाइजमेंट करने। तो स्कूल जैसे हमारे किड्जी स्कूल है और JAV स्कूल है, वो यहाँ पे आते हैं। थोड़े दिनों पहले आए थे और हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया था यहाँ पे। और अगर आप पीछे देखो तो पीछे हमारा इस ग्राउंड के बाद पीछे पार्क है जो बच्चों के लिए गिवन है, और छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे पहले बहुत बताया खेलते था हैं। कि यहाँ पे बहुत सारे किड्स खेलते हैं। ये है वो जगह जहाँ पे बहुत सारे किड्स खेलते हैं। ये बेसिकली एक पार्क है उन लोगों के लिए, ये किड्स एरिया है जहाँ पे बहुत सारे झूले गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे सीसो गिवन है, स्लाइड गिवन है, दिस मंकी बार गिवन है, और ये मैरीगोल्ड वाला जो झूला होता है वो भी गिवन है। और बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से सोसाइटी खेलते हैं। वो एंड हो जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको पूरी सोसाइटी दिख रही होगी कि वो कैसी है। इसके अलावा यहाँ पर ये बहुत सारी बिल्डिंग्स है, जैसे आप देख सकते हो A to E जैसे मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको वो बोर्ड भी दिखाया था। उसके चलते मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया कि हमारी सोसाइटी कैसी थी। एक बार देख लो कि कैसी हमारी सोसाइटी। और वो जो टावर है वो F टावर, हमने वहां से स्टार्ट किया था और हम एंड तक आ गए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा ओवरव्यू कि हमने क्या क्या देखा। हमारे घर
इधर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पार्किंग भी हमको गिवन है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी शॉप है और यहाँ पर पूरी बिल्डिंग्स हमें दिख रही है और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। हमें ये भी दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी बन भी रही है, जिसमें से एक सोसाइटी वो है जिसका नाम सिग्नेचर एस्पायर है और वो काफ़ी अच्छी सोसाइटी है।